भागवत कथाओं की श्रेणी में लाइन पार में चल रही भागवत कथा में कथावाचक ने बताया कि जो प्रभु की शरण में गया वो तर गया, इसीलिए भगवान का नाम सबको लेना चाहिए। कथावाचक के भजनों ने सभी का मन मोह लिया, सभी भक्तगण आनंद में डूब गए। इसके बाद कथावाचक ने श्रद्धालुओं से कहा, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसी क्रम में भक्तों ने भजनों पर नृत्य किया। तालियां बजाते हुए भक्त यूं लग रहे थे कि मानो दुनिया में सिर्फ भगवान का ही नाम लेते रहना चाहिए। पेड़ के ऊपर एक पक्षी का घोंसला, उस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे। एक दिन नरमादा क्या देखते हैं कि एक शिकारी शिकार की तलाश में उस पेड़ की तरफ बढ़ के आ रहा है, कहीं ये शिकारी मेरे बच्चों को ना ले जाए। उसी समय दूसरी तरफ से देखा तो दूसरे मार्ग से भैया काला सांप आ रहा है उस पेड़ की तरफ, उस बच्चों को खाने के लिए। अचानक उन नर्मदा के ऊपर दृष्टि गई तो एक बाज घूम रहा है पेड़ के ऊपर कि कभी ये नर्मदा हटे और हम क्या करें उन बच्चों को। तीन तरफ मिटती हुई देख रही, मनी मन भैया नर्मदा ने भगवान से प्रार्थना करी। वो सांप भी पेड़ के पास आ गया, शिकारी भी सांप पेड़ के पास आ गया। शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और घोंसले पर निशाना साधने लगा। इतनी देर में ही शिकारी पोजीशन बदलने के चक्कर में सांप के ऊपर अपना पैर रख बैठा और जैसे सांप के ऊपर पैर रखा सांप ने उसके पैर पर काट लिया। बोलो जय जय श्री। और शिकारी बेचारा लड़खड़ा गया, उसका निशाना चुक गया और निशाना ऊपर उड़ते हुए बाज को लगा और शिकारी उस सांप के ऊपर गिर गया। उस शिकारी की बोझ से सांप भी मर गया। बोलो जय जय श्री। जय से शिकारी भी मर गया और तीर से बाज भी मर गया। बोलो जय जय श्री। जाको ना कैसा ही आप। एक ही बार में भगवान ने उन बच्चों की तीन तीन मृत्यु से क्या कर ली भैया, ध्यान रखना नहीं तो आप बचने वाले नहीं है। कहते एक बार गरुड़ महाराज भगवान से मिलने आए, तो जैसी गरुड़ महाराज भगवान से मिलने आए तो क्या देखते हैं, भगवान के दरवाजे पे एक चिड़िया खेल रही है, गोरैया। जरा ध्यान से सुनना भैया ये कथा। हरे कृष्णा। राजीव जी आप भी सुनो ध्यान से, अरे वोट तो पढ़ते रहेंगे आप जीवन भर। बोलो हरे कृष्णा। जय जय श्री। वो गोरैया जो है वो गोरैया फुदक रही थी भैया भगवान के दरवाजे पर। करुण महाराज उसको देखने लगे, इतने में ही यमराज आ गए वहां और बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देखा गोरैया को। करुण महाराज घबरा गए। जिसको यमराज तिरछी निगाहों से देख लेता उसका समय अच्छा। यमराज अंदर चले गए भगवान से मिलने। गरुण ने छोड़ा क्यों ना इस चुड़िया को बचा लूं आज। गरुण महाराज ने अपनी चोंच में चुड़िया दबाई और वहां से लाखों मील दूर एक निर्जन टापू पे छोड़ आए और एक सेकंड में वापस आ गए। अब इतनी देर में यमराज आए वो ढूंढने लगे कुछ। गरुण मुस्कुराने लगे, बोले क्या ढूंढ रहे हो। बोले वो चिड़िया का काल आ गया था उसे ढूंढा। बोले उसका गरुण महाराज अपना सिर कूटने लगे। बोलो जय जय श्री राधे। इसकी जहां मृत्यु थी मैंने वही उसको पहुंचा दिया भैया। बोलो जय जय श्री। दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता, दुनिया के सारे नेता मिलकर भी आपकी जिंदगी में एक मिनट नहीं जोड़ सकते। चाणक्य पंडित ने यही कहा था, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और मरते हुए आदमी के पास रख दो कि दौलत ले नहीं इसकी वो होगी। आप बड़े बड़े प्रभावित ना होकर केवल नाम में विश्वास
मेरे।